मैं बंगाल से सन 70 में इंडिया में आया हूँ। आने के बाद में पहले आसनाबाद में कार्ड बनाया था। कार्ड बनाने के बाद में वहाँ से सियालदा आके फिर वहाँ से हमारा आई डी फॉर्म में कोटा रेफर कर दिया राजस्थान स्टेट और कोटा डिस्ट्रिक्ट। वहाँ फिर हम देवली आए सन 70 में। 5 साल तक हमने वहाँ ही पढ़ा। 70 सन 76 में यहाँ आया घट्टा। यहाँ से मैं भवानगढ़ स्कूल में गया डायरेक्ट। भवानगढ़ 70 में पढ़ा। 70 में पढ़ने के बाद में फिर हमारा यहाँ 10 बीघा खेत दिया। खेती कोई किसी का पत्र लिए कुछ किसी का अच्छा है। पानी नहीं चलता था, पहले डैम छोटा था, अभी डैम बड़ा है। अभी कुछ ना कुछ पैदावार होता है। कोई तो किसी का काम करता है, कोई बेलदारी करता है, कोई कारीगरी करता है। मेरा जन्म यहाँ पे ही हुआ है। मेरे पेरेंट्स वहाँ से आए थे। उन्होंने कई बार कई स्टोरियाँ सुनाते रहते हैं कैसे कैसे परेशानी दिक्कत झेल के वो लोग यहाँ पे आए, कैसे वहाँ पे यहाँ पे आके इनको शरणार्थी के रूप में इन गांव में बसाया गया, थोड़े बहुत ज़मीन दी गई और इनके उसी से इनकी रोज़गार चालू हुई, उसी से इनका आय अर्जन चलता था। इसके अलावा कोई ना इनके पास इनकम सोर्स था और ना ही कोई संपत्ति थी। इतने सालों में जो 40-45 सालों में आज पुनर्वास के तहत जो इनको इनकी स्थिति होनी चाहिए थी, हमारी समुदाय की जो स्थिति होनी चाहिए थी, उसके अगेंस्ट हम लोग बहुत पीछे है और बहुत बैकवर्ड में है। महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई काम धंधा नहीं है, पुरुषों के लिए कोई काम धंधा नहीं है। युवा आज भी पढ़े लिख रहे हैं लेकिन मोस्ट ऑफ बेरोजगार है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। यहाँ पर 1950 में और 1970 में बंगालियों का बसाया गया था। इनको 10 बीघा ज़मीन और एक कमरा दिया गया था और उसके बाद इनके 4 बेटे, किसी के 3 बेटे हैं लेकिन 2-2 बीघा ज़मीन इनके हिस्सों में है। और जो महिलाएं हैं वो बीड़ी बनाने का काम करती है और जो लड़के हैं पढ़े लिखे भी है, एजुकेशन भी है इनके, लेकिन इनके पास कोई नौकरी नहीं है ना इनको कोई आरक्षण है। इनकी जो भाषा है बंगाली भाषा को ही इनकी जाति बना दिया गया है और इसलिए कोई भी नौकरी नहीं है, इसलिए ये लोग बेरोजगार होकर पलायन कर जाते हैं। सरकार हमारा इंदिरा गांधी थे तो उस टाइम थोड़ा सहायता मिला, खेती भी दिया है, ज़मीन भी दिया है, गाड़ी भी दिया, बेल भी दिए, गेती फावड़ा सब कुछ भी दिया हमारा, ऐसा नहीं है कुछ नहीं। लास्ट में हमारा पानी का व्यवस्था नहीं है, तो पानी बिल्कुल नहीं है। तालाब एक छोटा है, कभी भरता है कभी भरता नहीं है, कभी फसल होता है कभी होता नहीं है। तो इसके बाद थोड़ा हमारा ऐसा भी गुजारा धीरे धीरे अभी चल रहा है। हमारा जितना परिवार अभी पुराने हैं वो तो हमारा भाषा भी जानते, पढ़े भी लिखते, और अभी का जो मतलब लड़का लड़की है वो तो ना बांग्ला कुछ भी नहीं जानते, बांग्ला भी बात करने में भी हिंदी बोलती है। हम बिरी बनाते हैं, हम हॉस्टल में जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, बेलदरी वगैरह सब कुछ करते हैं, हम पेट चलाने में सब कुछ करना पड़ता है। हम इतना मेहनत मजदूर करके बाल बच्चा पालते हैं, पढ़ा लिखा कराते हैं, मगर नौकरी का कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमें कोई नौकरी नहीं है। मेन चीज़ें शिक्षा होने के बावजूद भी क्या होता है, हम 10-12 तक करने के बाद आगे पढ़ने जाएंगे तो हमें फिर वो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। नंबर अच्छे होने के बावजूद भी हम कहीं जॉब नहीं कर पा रहे। मेरा नाम दीपाली विश्वास है, वही काम है बीड़ी बनाने का और थोड़ा बहुत मजदूरी कर लेता हूँ किसी का खेत में, यही काम है। थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है, 3 बीघा में क्या चलता है। एक बच्ची भी घर पे है शादी का लायक और इसका पापा भी बेलदारी करते। विशेष हमारा दुर्गा पूजा होता है दशहरा, वो ही हम विशेष बनाते हैं। बाकी त्यौहार तो एक तरह से कॉमन हो गए हैं ना। और हमारे कोई एजुकेशन भी यही है, हिंदी बंगाली तो हम एक तरह से भूल ही गए कि हम बंगाली बोलना आता है लेकिन हमको लिखना पढ़ना नहीं आता। हम चाहते हैं कि हमारा बंगाली जाते और हमारा बांग्ला शिक्षा होना चाहिए। परंपरा का जो नियम है वो होना चाहिए। यहाँ एक स्कूल में एक टीचर भी होना चाहिए बांग्ला पढ़ाने वाला। Thank you.
से 10 साल से रीड यहाँ पे भमरगढ़ क्षेत्र में हमारे जो बंगाली क्षेत्र में जुड़ कर रीड सेंटर काम कर रही है, उसमें महिलाओं को विशेषकर एक तरह से हुनर के ऊपर उनको रोजगार प्रावधान करवा रही है। जैसे आज कई लड़कियाँ महिलाएं ऐसी है जो पार्लर और सिलाई का कोर्स करके खुद का सिलाई और पार्लर का बुटीक खोल चुकी है और महीने में 2,000-3,000-4,000 का इनकम कर रही है। कुछ महिलाएं ऐसे पढ़ी लिखी है और टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करके आज प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का काम करती है, साथ में घर पे अलग अलग बच्चों के स्तर कक्षा के बच्चों को कोचिंग देती है, उससे भी उनको इनकम अर्जित होती है। इस कोर्स में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इस कोर्स के अंदर बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चे पढ़ाई में कैसे रुचि ले, इसके बारे में मुझे पता चला। टीचर ट्रेनिंग का जो कोर्स है और इसके अलावा जो और भी कोर्स है वो हमारे गांव में आते रहना चाहिए, ताकि जो हमारी तरह जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो भी इनका लाभ उठा सके। मैं यहाँ पे वेटिनिया सेंटर से अभी वेटी वेलनेस का कोर्स कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे थ्रेडिंग, वैक्स, हेयर कटिंग और बॉडी मसाज, बॉडी ब्लीच, फेस ब्लीच, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्टाइल, साड़ी ड्रेपिंग, बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपने घर पे अपनी बेटी के नाम से पार्लर भी खोल रखा है, तो मैं वहाँ पे अभी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, 2,000-4,000 हो जाती है मेरे महीने की इनकम। मैं सेंटर पे गई, वहाँ मेरी मुलाकात मीना मैम से हुई, उन्होंने मुझे वहाँ ज्वाइन किया। इसके बाद उन्होंने मेरे को आई बनाना, बटन लगाना, पेंट कुर्ता बनाना, सलवार कमीज बनाना, फ्रॉक बनाना, अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना, ब्लाउज बनाना आदि सिखाए। और मैं अपने पति की मदद करती हूँ, हर महीने 2,000 रुपये की इनकम करती हूँ, इससे हमारे परिवार को बहुत मदद मिलती है। और आगे चल के मैं अपना एक बुटीक खोलना चाहती हूँ। रीड इंडिया के माध्यम से जो IT स्किल कंप्यूटर का कोर्स करवाया गया था, उस कोर्स में मैंने पिछले साल कोर्स सीखा था, जिसके माध्यम विजय जी द्वारा कई चीजें मुझे सिखाई गई थी कंप्यूटर के बारे में, फोटोशॉप, टाइपिंग, जिसके माध्यम से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी और अपना ई मित्र खोला। ई मित्र के माध्यम से मैं कई प्रकार के काम करती हूँ, जैसे मूल निवासी बनाना, जाति प्रमाण पत्र बनाना, विवाह पंजीयन बनाना, पेंशन बनाना, इत्यादि बहुत सारे काम मैं करती हूँ। ट्रेड इंडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मैं आज ई मित्र के माध्यम से 8,000-10,000 रुपये कमाती हूँ। जब इनके साथ काम करना शुरू किया तब निकल कर आया कि ये लोग हाथ का हुनर ज़्यादा करते हैं, सरकारी जॉब इनके पास बहुत ही कम है। जैसे पेंटिंग का काम करना, कारीगरी का काम करना, और जो महिलाएं वो बीड़ी बनाने का काम करती हैं, तो रीड इंडिया ने भी इन महिलाओं के साथ काम करना शुरू किया, जिसमें इनको अलग अलग स्केल की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग लेने के बाद ये महिलाएं कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, अपना रोजगार शुरू कर दिया है। जिन लड़कियों ने टीचर ट्रेनिंग ली थी वो स्कूल में जाकर बेहतर तरीके से काम कर रही हैं, घर पे ट्यूशन का काम कर रही हैं और अपनी इनकम को बढ़ा रही हैं। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में रीड इंडिया इस तरह का काम लेकर आए कि हमारे जो बंगाली समुदाय की जो महिलाएं हैं जो अधिकतर बीड़ी पर निर्भर करती हैं, तो वो लोग कुछ हट के काम करना चाहें, तो रीड से अपेक्षा है कि कुछ इस तरह का काम लेकर आए तो हमारे समुदाय को एक अलग काम मिले।